बैठिए सर। नमस्कार सर, जैसे आपने बोला था कि इवन कृत्रिम हास्य जो है उससे भी फायदा होता है, लेकिन मैं जो समझता हूँ जब तक हम दिल से नहीं हंसते तब तक उसका फायदा हमको शायद नहीं होता या कम होता है, उसके बारे में आप बताइए। हेलो, मैंने आपको बताया, मेरे स्पीच के दौरान बताया मैंने, ये रिसर्च में आ चुका है कि हमारा दिमाग डिग्निफाई नहीं कर सकता नकली हंसी और असली हंसी, उसको खाली साउंड होना इसलिए जो आपका साइफन जो है रिजल्ट जाता है उसका इक्रेट होना जरूरी है, ये रिसर्च में आ चुका है। शारीरिक समाधान मिलेगा, मानसिक समाधान जो हंसी वो शायद यही समाधान है कि आप हंस रहे हैं और हंसते असली हंसी में कन्वर्ट हो जाता है, कोई भी नहीं ऐसा जो पहले एखादा प्रश्न विचारायचे असतील कृपया हात वरचा कोणाच्या मनात काही प्रश्न असतील प्रश्न असतील तर कृपया विचारा प्रश्न वगैरे प्रश्न विचार काहीतरी विचार एकदम ब्लँक जायला नको हम लोगों को उसका ही फायदा लाकिंग से कैसे हो सकता है। देखिए
वॉकिंग भी अच्छी चीज़ है, मैं उसके अगेंस्ट भी नहीं हूँ। मैं जब आप वॉकिंग करते उससे आपका माइंड फ्री रहता है, सोचिए आप वॉकिंग करते करते घर के बारे में सोचते हैं, बच्चे को स्कूल जाना है, उसके टिफिन बनाना है, उसके बारे में सोचते हैं, सो मेनी प्रॉब्लम्स आर विद यू, वो सोचते रहते हैं। अगर आप वो सोचते हैं तो आपका वॉकिंग में परफेक्ट नहीं, आपका ब्लड सर्कुलेशन में कहीं ना कहीं तनाव के साथ में मिल रहा है और तनाव वो वॉकिंग के फायदे को कम कर रहा है। अगर हंसी योग में ऐसा नहीं होता, हंसी योग में आप सर हंसेंगे ना तो पहली बात तो क्या है प्रॉब्लम हो गया, अकेले हंसना भी एक प्रॉब्लम है। अगर अकेले हंसेंगे तो लोग बोलेंगे कि पागल हो जाएंगे। उसके लिए क्लब जरूरी है, गैदरिंग जरूरी है, जहाँ आपके अच्छे दोस्त हैं हंसने वाले उनमें शामिल हो जाइए। आप हंसीए डाइनिंग टेबल पर अपने पति के साथ हंसीए, सॉरी आपकी शादी हो गई ना, कोशिश कीजिए पति के साथ हंसने की, क्योंकि मैं कोशिश करके हार गया हूँ उसमें जाएंगे। तो घर में हंसीए, बच्चे के साथ हंसीए, पड़ोस में हंसीए, पर हंसना बहुत जरूरी है, हंसने से बहुत फायदे है। और सबसे अच्छा ये है कि आप क्लब खोलिए आजू बाजू में, ओपन ग्राउंड में वॉकिंग जाते हैं, वहाँ पाँच दस लोग मिलेगा और हंसने का ऐसी लगे तो गाइड करने के लिए मेरे को बुलाओ। वो रोकड़े मैडम का खत्री कॉलेज है, वहीं बाजू में शहर, वहाँ से क्लब चालू है वहाँ पर, या फिर वो समर्थ मंदिर है वहाँ चालू है हनुमान मंदिर के पास में। तो लोकेशन आप देख लीजिए, आप मेरे को बुलाइए आज गाइड, वैसे कि ज़्यादा कठिन है नहीं, खाली हंसना ही है, दिमाग का काम ही नहीं उसमें, खाली हंसना है बस। हमारे यहाँ बुजुर्ग आते थे 80 साल के थे, साल दो साल तक आए, इतना अच्छा लगा उनको, इतना अच्छा लगा, बाद में देखिए बरसात की वजह से वो क्लब में नहीं आ सकते, तो गच्ची पर जाके जहाँ शेर था वहाँ जोर जोर से हंसने लगा, उनका नाती ऊपर गया दौड़ते नीचे नीचे आया, पापा नाना जी बोले पागल जा रहे थे। उनकी बायोग्राफी के अंदर लिखा हुआ है, तो ऐसा बंद कर देगा साउंड प्रूफ कमरे में, हंसते हो पागल से आईने को देख के हंसते, समझ लेगा दूसरा दोस्त मेरे सामने खड़ा है मेरे घर। और कुछ सवाल पूछे पूछे। शुभ संध्या, मेरा नाम मोहपाल देशपांडे है। कभी कभी हम बहुत अपसेट मूड में रहते हैं या किसी संकट समय रहता है, उस समय आप बिल्कुल मूड खराब रहता है, तो उस समय पे हंसना बहुत मुश्किल है, तो उस समय कैसा क्या किया जा सकता है ये एक विचार है। या तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दर्द हो रहा है, उस समय भी आदमी हंसने के मूड में नहीं रहता है, ऐसे समय का कैसे हंसा जाए। और आपके बारे में व्यक्तिगत पूछना चाहता हूँ कि आप पहले से आप मतलब हंसमुख है या बाद में आपने हंसने का प्रोग्राम के कारण आप दूसरे साल जवाब देता हूँ मैं आपको। ये पहले मैं स्टेट बैंक में ब्रांच मैनेजर था, जैसा परिचय बताया हुआ, 35 साल की सर्विस हो गई थी, मेरे को स्लिप डिस्क हुआ, उसमें L4 L5 में बहुत गैप था। नागपुर में मैं महीना महीना भर की छुट्टी लेके घर को बेड पर रहता था, यहाँ के डॉक्टर झुंझुनू के पास में गया तो उन्होंने बताया कि गैप है, फिर नागपुर में मेरे को अटैक आया स्लिप डिस्क का, तो नागपुर के डॉक्टर चांदा के फेमस उनके पास में गया, तो देर इज नो वे अदर देन द ऑपरेशन, ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है छुट्टी ले कर सकता हूँ, बैंक पैसा देती है मेरे को। फिर बाद में उनके हॉल है वहाँ पर एडमिट थे पेशेंट, उनको देखा तो एक नहीं चलने वाली चेयर पर एक पेशेंट आ रहा था, वो मेरे पहचान का था, यहाँ माने का नाम के है उनके जी। मैंने बोले यहाँ का ऑपरेशन हो गया, बोले मेरा बोले बहुत तकलीफ होती, बहुत तकलीफ होती, मैं वैसे ही वहाँ से भागा। किसी ने बोला हमको कि वो अंबाजेरी में लैपटॉप क्लब है, उससे बहुत फायदा होता, बीमारी के फायदे होते हैं। मैं लैपटॉप क्लब में गया, कसम से बोलता मैं आपको, साल भर के अंदर मेरा स्लिप डिस्क ठीक हो गया। फिर यहाँ पर डॉक्टर के पास में आया, जनरल पास में डॉक्टर निकाले और क्या पूछे देखेंगे अभी कोई तकलीफ है क्या, बोले तकलीफ तो नहीं है, फिर काय के झंझटे पड़ता बोले कैरी ऑन बोले। और आज मुझे मैं रिटायर होने को 2020 में रिटायर हुआ, 2021 में डॉक्टर के बाद में खोला, और उसके बाद के बाद में अभी तक मेरे को पेन नहीं है, झुक भी सकता हूँ उठा भी सकता हूँ। दूसरा सवाल है, पहला सवाल आपका ये था कि रात को सवेरे उठते थे मूड खराब, रात को मूड खराब 2 बजे से होता, एक तो पत्नी से झगड़ा हुआ तो होता, या तो बिजनेस में लॉस हुआ तो होता, या तो अननेसेसरी डिप्रेशन लेने की आदत रहती है उससे, ये 3 कारण है खाली उसके मेरे ख्याल से। तो अगर अननेसेसरी आप सोचते हैं
ऐसा हुआ तो क्या होगा, आज मेरा बीपी इतना है, मैं कितना होगा, कैसा होगा, क्या होगा, अरे हार्ट के रेट ज्यादा हो गए वगैरह वगैरह, बहुत से कॉम्प्लिकेशन देते उस वक्त सोचते रहते हैं। सोचने से कुछ फायदा होता नहीं है, पहला निकल देगा। और सवेरे मूड आपका खराब है तो बाहर खुली हवा में जाओ, हंसने की कोशिश करो, जस्ट स्माइल। अपने घर को पत्नी के सामने हंस नहीं सकते हो तो बाहर कोई मिला तो उसके सामने हंसो, हंसने की कोशिश करो। पर हंसते हंसते आपको नीचे एक दिन ऐसा लगेगा एकदम फ्रेश हो गया, वैसे भी ठंडी हवा में तो फ्रेश हो गई, अभी बाहर घूमने पास गया तो मैं सवेरे मूड मत खराब जाता, खराब पड़ जाता। ठंडा पानी दो गिलास पियो, आईने के सामने छोड़ सा, हाँ ऐसे करो बस। एक बात बताती, अपन लोग तो अभी कृत्रिम हंसते हैं, लेकिन रोज एक जो बताना पड़ता उससे पेट पकड़ पकड़ कर रोज हंसते हैं लोग।